नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तरकालीन मुगल। उत्तरकालीन मुगल शासकों में हमने सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा। बहादुर शाह प्रथम, इसका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712। अब देख 1712 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की, जिसे जिसका मूल नाम क्या था, मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम था। इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर इसके जो चार पुत्र थे, इसमें जहांदार शाह, रफी उशान और अजीम शान और एक जहान शाह। इसके चार पुत्र में क्या होता है, गृह युद्ध होता है। क्या होता है, गृह युद्ध होता है। इन चारों में गृह युद्ध होता है। इसको लेकर, सत्ता को लेकर ये मुगल शासकों के सबसे, ये मुगल शासकों की विशेषता है, ये सत्ता को लेकर हमेशा ग्रहित हुआ है। इसमें क्या होता है कि जहांदार शाह विजय होता है, सबके क्या होता है, वो इनको मार देता है, ये हार जाते हैं। कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के पश्चात एक महीने तक उसका शव यू की यू पड़ा रहा। उसके जो पुत्र थे वो गद्दी के लिए लड़ते रहे और बहादुर शाह प्रथम का शव ऐसे ऐसे पड़ा रहा। बाद में जाकर इस गृह युद्ध के बाद जाकर जो विजय होता है, फिर जाकर उसके शव को दफनाया। ठीक है, तो नया शासक बनेगा जहांदार शाह। कौन, जहांदार शाह। सेकंड नंबर का शासक कौन है, जहांदार शाह। टाइम पीरियड देखो 1712, इसका टाइम पीरियड है 1712, यानी तकरीबन एक कुछ ही समय तक इसने शासन किया था जहांदार शाह। अब देखो जहांदार शाह जो था, इसने क्या क्या किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसने क्या किया था, इसने ईरानी दल के जो नेता थे, ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खान की सहायता से, मतलब इसने इसको सुल्तान, मतलब शासक बनाने, बादशाह बनाने के, जुल्फिकार खान ईरानी दल के नेता थे, मतलब कि मुगल दरबार में गुट हुआ करते थे। इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान, ईरानी मुसलमान और अफगानी तुरानी, ये अलग 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 दल रहा करते थे। इसमें एक ईरानी दल था, इसके नेता थे जुल्फिकार। इसके सहायता से क्या किया था, इसने सहायता से बादशाह सत्ता को प्राप्त किया था। इसने सत्ता प्राप्त की, ठीक है। और इसने इसको क्या बनाया, इसको वजीर बनाया। इसने बाद इसके लिए इसको क्या बनाया, वजीर बना दिया। और इसके पिता, इसका नाम था असद खान, इसको क्या बना दिया, मीर बख्शी बना दिया। मीर बख्शी, मीर बख्शी होता है सेना का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख, सेना का सैन्य विभाग का प्रमुख। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है, मीर बख्शी ने वकील बनाया था, वकील वजीर के बराबर ही होता था वकील, इसको वजीर, इसके पिता को वकील बना दिया। ठीक है, अब देखो जो जहांदार शाह जो था, इसने वैसी नीति अपनाई जैसे इसके पिता ने अपनाई थी। इसके तहत इसने क्या किया, इसने जजिया कर जो था,
को समाप्त कर दिया। अब आप ये सोचे होंगे कि जजिया तो जब एक बार मोहम्मद शाह ने बहादुर शाह ने समाप्त कर दिया तो फिर वापस से क्यों वापस से समाप्त किया। जजिया का समाप्त तो किया गया था लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था। फिर से इसने हुक्म जारी किया कि जजिया को समाप्त कर दिया जाए लेकिन अभी भी जजिया समाप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से जाकर मोहम्मद शाह रंगीला जजिया की वसूली पूर्ण रूप से बंद कराएगा। इसने जजिया को समाप्त कर दिया। याद रखना आप इसके तरह उसने क्या किया था, इसने जो हिंदुस्तानी शासक थे सहजादे थे जो मुगल दरबार में रहते थे उनके साथ सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसके तहत इसने क्या किया, इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। क्या दी, मिर्जा की उपाधि। याद रखना कि मिर्जा की उपाधि राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, इसने दी थी इसने जहादार शाह, ठीक है। और क्या दी, मालवा की सूबेदारी सूबेदारी दी इसके साथ मिर्जा की उपाधि और साथ में क्या दी, मालवा की सूबेदारी दी, मालवा की सूबेदारी प्रदान की, याद रखना इसने की थी जहादार शाह, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी, ठीक है, महाराजा की पदवी दी और गुजरात की सूबेदारी दी। और क्या दी इसको, गुजरात की सूबेदारी दे दी, गुजरात की मतलब वहां का गवर्नर बना दिया। गवर्नर होता है ना स्टेट का, वही याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखो, क्या किया, मराठों को पुराने अधिकार वापस कर दिए। जिसके तहत क्या था, इसने अधिकारी को तहत कि मराठा क्या कहा था कि मराठा क्या कर सकते हैं, चौथ में स्वदेश मुख, ये याद रखना कि बहादुर शाह ने क्या किया था कि चौथ की वसूली बंद करवा दी थी साउथ को जब रिलीज किया था उन्होंने, तो चौथ की वसूली बंद करा दी थी, केवल स्वदेश मुखी जारी रखा कि स्वदेश मुखी आप वसूल कर सकते हो चौथ में। तो ये जो जहादार शाह ने क्या किया, इसने चौथ को वापिस लागू कर दिया था, मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार वापिस किया। जो कि इस शर्त पर लागू किया गया की चौथ की वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, मतलब चौथ तो वसूल सकते हैं ये, बट इसकी जो वसूली कौन करेंगे, मुगल अधिकारी करेंगे, मुगल ऑफिसर्स करेंगे, और मुगल ऑफिसर इसकी वसूली करके मराठों को सौंप देंगे, ठीक है। तो ये अधिकार वापस कर दिए, इसकी ये जहादार शाह, ठीक है। इसके साथ जो उसने
चूड़ावण के साथ क्या किया? जाट नेता चूड़ावण मैत्री स्थापित की, मैत्री स्थापित की, लेकिन सिखों के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। किसने? जहादारशाह ने। सिख नेता क्या नाम था उसका, सिख नेता का? बंदा बहादुर। सिख नेता बंदा बहादुर के को गुरदासपुर के किले से गिरफ्तार कर उसे कठोर यातनाएं देकर मरवा दिया। कठोर यातनाएं देकर उसे मरवा दिया सिख नेता बंदा बहादुर को। तो ये सही नीति थी, ठीक है, इसकी जहादार से। और देखो इसे बता देते, नोट कर लेना इसको। जहादारशाह ने राजा राम का जो पुत्र था, शिवाजी का पुत्र, संभाजी, संभाजी के दो पुत्र थे शाहू और राजा राम, राजा राम का जो पुत्र था, राजा राम ने ताराबाई का पुत्र, ताराबाई राजा राम की नीति थी ताराबाई। तो राजा राम की मृत्यु हो चुकी थी और ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी जित्ते को लेकर शासन कर रही थी ताराबाई। तो ताराबाई के पुत्र शिवाजीदित्य को अनूप सिंह का खिताब देकर 3000 का मनसब प्रदान किया। किसने किया था? जहादारशाह। किसको? शिवाजीदित्य को। शिवाजी को नहीं, शिवाजीदित्य को, क्योंकि राजा राम ताराबाई के पुत्र, ठीक है। और देखो अब जो ये जहादारशाह जो था, ये क्या था? ये लंपट मोहन था। ये क्या था? विलासी प्रवृत्ति का था। इसके महल में एक महिला थी लाल कुंवर, उसका अत्यधिक प्रभाव है इस पर। किस पर? जहादारशाह पर।
लाल कुंवर एक वैश्य थी, लाल कुंवर क्या थी, वैश्य थी। इसका इस पर अत्यधिक प्रभाव था, इस पर जहानदार शाह, जिससे क्या था दरबार में अनैतिकता का माहौल पनप गया था। इससे क्या था क्या हो रहा था, अनैतिकता का वातावरण बढ़ गया था, अनैतिकता का बोलबाला था। इससे क्या हुआ, वह एक अनैतिक था, वह एक कमजोर क्या था, एक कमजोर, इसकी वजह से क्या होते कमजोर बन गया था, कमजोर वह विलासी, वह एक कमजोर विलासी ज्यादा था तथा शासन के प्रति उदासीन था, क्या था, उदासीन में लापरवाह था, शासन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लापरवाह था। कौन, ये ज्यादा सा, इसके कारण लोग इसे लंपट मूल की संज्ञा है, याद रखना, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, ज्यादा सा, और साहेब देखावर किसको कहा जाता है, बहादुर, याद है, नंबर मूक। तो शासन के प्रति कोई ध्यान नहीं था, केवल अपनी मौज मस्ती में मग्न था, कौन, जहादार शाह। लाल कुंवर वैश्य के प्रभाव में आकर सारे दिन उसके पास ही रहता था, दरबार में अनैतिकता थी, यानी राजा अगर अनैतिक है तो आप दरबारियों से, अपने अधिकारियों से अपेक्षा नहीं रह सकते कि वो भी नैतिकता का पालन करें। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे शहजादा था, मतलब ये राजा था बहादुर जहादार शाह, उसी प्रकार इसके दरबारी में, दरबार में अनैतिकता का माहौल हो गया, और अनैतिकता के माहौल में क्या होता है कि कोई भी शासन सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल सकता, और सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो इससे क्या होगा कि जो शासन है वो पतन की ओर उन्मुख होगा। यही कारण था कि उत्तरकालीन मुगल शासक जो थे वो शासन को संभालने में अयोग्य सिद्ध हुए। क्यों हुआ, ये जैसे कारण मैंने आपके सामने रखे कि ये शासन के प्रति उदासीन थे, एक वैश्य के प्रभाव में आकर अनैतिकता को बढ़ावा दे रहे थे, तो इस चीजों से क्या होता है कि शासन जो था वो खोखला होता जाता है। अधिकारियों में क्या होता है कि अनैतिकता बढ़ जाती है, घूसखोरी बढ़ जाती है और लालच बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो काम काज होते हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाते, और इसके चलते दूसरी जो शक्तियां होती है उनको बढ़ावा मिलता है, और यही कारण था कि उत्तर मुगल कालीन शासक शासन काल में मुगल वंश धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हो रहा था। ठीक है, तो ये सब विशेषता है, ये सब प्रमुख कारण और जो क्या बोलते हैं समरी इसकी थी जहादार शाह की, या इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या क्या याद रखनी, याद रखने से लंपट मूर्ख किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं, दो बिंदु नंबर कुछ बना सकते हैं आपके, या कुछ आ सकते हैं कि जहादार शाह के बारे में प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो उसने उसकी विशेषताओं में ये लिखने थे मराठों को अपने पुराने अधिकार वापस कर दिए, पुराने अधिकार कौन से थे, जोध वसूलने का, याद रखना कि जोध वसूलने का अधिकार जहादार शाह ने दिया था, और जबकि सरदेशमुखी का किसने दिया था, बहादुर शाह ने दिया था, बहादुर शाह ने जोध वसूलने का अधिकार नहीं दिया, इसने जजियागर को हटा दिया था। और आपके ये इंपोर्टेंट रखना कि मिर्जा राजा की उपाधि किसको प्रदान की गई थी और किसने दी थी, जैसे को प्रदान की गई थी वो किसने दी थी, जहादार शाह ने, जबकि सवाई की उपाधि किसको दी गई थी, किसने दी थी, सवाई की उपाधि भी सवाई जयसिंह को दी गई थी, लेकिन सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, ठीक है, अपने पिता से भी सवाई है, तो वो सवाई और मिर्जा की उपाधि ध्यान रखना कि जयसिंह को मिर्जा की किसने दी थी, मिर्जा की और सवाई की, ठीक है, मिर्जा की दीदी जहादार शाह ने सवाई की तो औरंगजेब ने, ठीक, तो ये इसकी विशेषता थी, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, फर्रुख शेर के बारे में,
देखो मैंने बताया कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जैसे शासन के प्रति उदासीन हो गए तो कोई बाहरी शक्तियों को शासन में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। तो हुआ क्या कि इन सब कारणों की वजह से अनैतिकता, विलासिता और शासन के प्रति उदासीनता, इन कारणों से क्या हुआ कि जो इसका जो भतीजा था उसका नाम है फर्रुख सियर, अजीम शान का पुत्र, उसने जो शेर बंधु थे, शेर बंधु के बारे में हम आपको पढ़ेंगे, हुसैन खान और सैयद अली खान, इन्होंने क्या किया, इनकी सहायता से फर्रुख सियर ने जहांदार शाह का तख्ता पलट कर दिया, मतलब उसको गद्दी से उखाड़ फेंका। आगरा के पास युद्ध होता है, युद्ध में क्या क्या होता है कि जहांदार शाह हार जाता है और जहांदार शाह के जो वजीर और वकील, जहांदार शाह के वकील वजीर कौन था, वजीर मेरे बच्चे मैंने अभी बताया आपको, जो ईरानी दल का नेता था जुल्फिकार खां और उसका पिता क्या नाम है असद खान, उनकी सहायता से क्या बना था, वो राजा बना था। अब क्या करेगा जो फर्रुख सियर है, वो सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधु जो उसमें अली खां था पटना का सूबेदार और जो सैयद हुसैन खां था वो था बनारस का डिप्टी सूबेदार था, वो तो उनकी सहायता से तख्ता पलट कर देगा, किसका, फर्रुख सियर उसका जहांदार शाह, और खुद राजा बन जाएगा। ठीक है, ये देखो अभी जो मैंने परिस्थितियां बताई कि दरबार में क्या हो रहा था, दरबार में अनैतिकता बढ़ रही थी, दरबार में अनैतिकता, शासन के प्रति उदासीनता, इन कारणों से क्या हुआ, इन परिस्थितियों के कारण, इन परिस्थितियों का जो फायदा है, फायदा उठाकर जहांदार शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधु के नाम देखो, सैयद बंधु इसमें है दो भाई हैं, इसमें देखो एक है हुसैन अली खान एक का नाम है, और एक का नाम है अली खान, छोटा था अब्दुल्ला खान बड़ा था, ये बड़ा ये छोटा, ये कहां का सूबेदार था, ये पटना का सूबेदार था उस टाइम पर, और ये बनारस इलाहाबाद, बनारस के इलाहाबाद, इलाहाबाद का सहायक सूबेदार यानी कि असिस्टेंट सूबेदार, इन दोनों भाइयों की मदद से, सैयद बंधुओं की सहायता से क्या दी, चुनौती दी, और आगरा के निकट क्या होता है, आगरा के पास जहांदार शाह परास्त हो जाता है, वो क्या करता है, फर्रुख सियर जो था जुल्फिकार खां
असद खान के द्वारा जहादार शाह को मरवा दिया। मतलब कि जुल्फिकार जो उसका वजीर था और असद का जो उसका वकील था, इन दोनों की सहायता से उसने किसको मरवा दिया, जहादार शाह को। उसने कह दिया यार धमकी दे दी गई है, ब्लैकमेल किया होगा कि इसको मार दे तो हम तेरे तुझे मार देंगे। तो जहादार शाह क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। ये थोड़े समय तक ही शासन कर पाया था कौन, जहादार शाह, तकरीबन 9 महीने तक। ठीक है, अब देखो जहादार शाह क्या हो गया, खेल खत्म। इसकी सहायता से इसने ये तख्ता पलट किया था, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, कौन थे ये, सैयद बंधु थे, सैयद थे इनके, आज क्या लिखता है सैयद हुसैन खान, सैयद अब्दुल्ला खान, ये बड़ा था, इलाहाबाद का सहायक सूबेदार था, ये हुसैन अली खान क्या था, पटना का सूबेदार था, याद रखना आपको। और आगरा के पास क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जहादार से हार जाता है और बाद में क्या होता है, जुल्फिकार असद खान की सहायता से जहर देकर उसे मरवा देता है, जहर देकर मरवा देता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसने तख्ता पलट किया था। अब देखो अपन पढ़ते हैं, कौन, फर्रुख शेर। आपको स्पेशली मॉडर्न इंडिया में इस संदर्भ में याद रखना है कि फर्रुख शेर ही वह शासक था जिसने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान द्वारा विशेष रियायत प्रदान की थी, फ्री ट्रेड एक सर्टिफिकेट दिया था, एक क्या दिया था, फ्री ट्रेड पास दे दिया था उनको, जिसे दस्तक के नाम से जाना जाता है। क्या ये दस्तक दिया था, जिसे इसमें वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो याद रखने के गोल्डन फरमान दिया था, गोल्डन फरमान में जैसे किसी और को और फरमान था जो कि गोलकुंडा के शासक द्वारा दिया गया था, हमने क्लासेस में चर्चा की है। लेकिन ये मुगल एक मैग्ना कार्ट कार्ड था, मैग्ना कार्ट कंपनी का मैग्ना कार्ट, जिससे क्या हुआ था, इस फरमान के जरिए काफी सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो गई। और ये किसने जारी किया था, फर्रुख शेर ने, उसकी चर्चा मैंने आपसे कर रखी है कि वो एक मिशन आया था, उस मिशन में उसने एक क्या था, सर्जन भी था, सर्जन ने फर्रुख शेर का रोग ठीक कर दिया, उसके बदले उसने काफी सारी रियायतें दी थी, उसने 3 क्षेत्र लिए थे, बंगाल और मुंबई में सिक्के डालने का अधिकार दे दिया और साथ में उन सिक्कों को मुगल क्षेत्रों में चलाने का अधिकार दे दिया, मामूली से रकम के बदले। ठीक है, अब अगला जो शासक है वो है 3 नंबर का, याद रखना, तीसरा नंबर का उत्तरकालीन मुगल शासक, पहला बहादुर शाह, दूसरा जहादार शाह, तीसरा कौन, ये क्या नाम है, फर्रुख शेर। टाइम पीरियड देखो 1713 से 1700। ठीक है, इसके टाइम पीरियड देखो, इसके बारे में देखो, इसने क्या किया था, 13 जनवरी 1713 को, 11 जनवरी 1713 क्या बता, सत्ता प्राप्त, सत्ता सीन होता है, सत्ता प्राप्त कर देश ने क्या किया था, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खान, इनको क्या दे दिया, इंपोर्टेंट पद देगा। अब पद कौन कौन से, देखो ये बड़ा भाई था या छोटा भाई, अब्दुल्ला खान को बनाएंगे वजीर बनाएंगे इसको, और इसको मीर बख्श,
मेल पक्षी क्या होता है, सैन्य भाग का प्रमुख, सैन्य विभाग का प्रमुख। वजीर क्या होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ये कर दिया साहब इसने। इसलिए उसने क्या किया था, इसके साथ ही दक्षिण के छह सूबों की उसके बारे में हमने मीडियो इंडिया पढ़ लिया। छह सूबे कौन कौन, 15 उत्तर में थे और 6 उसमें थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बीजापुर और एक ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और एक ऐसे 6 थे। जैसे द्वार समुद्र जिससे द्वार समुद्र जिसको आधुनिक है, जिसका उस टाइम पर नाम वो था खानदेश थे। 6 सूबों का प्रमुख एक व्यक्ति है चिन किलिंच खाक को बनाया। किसको बनाया, चिन किलिंच खाक को बनाया। इसका नाम उसे क्या कहते हैं, निजाम उल मुल्क। याद रखना निजाम उल मुल्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। और निजाम उल मुल्क वही था जिसने हैदराबाद की रियासत की स्थापना की। निजाम से हैदराबाद की जिसको प्रमुख निजाम कहते थे, निजाम यही था, वो इसने स्थापना की थी। आगे आया करेगा, इसने बना दिया। अब क्या करेगा, जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं ने क्या किया सबसे पहले, मतलब फर्रुख शेर के कहने पर सैयद बंधुओं ने जो क्या नाम थे, ईरानी दल के नेता जुल्फी खां, जुल्फिकार खां को जहर दे दिया, जहर दिलाकर मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, क्योंकि हो सकता था कि कभी भी विद्रोह कर सकता है, कभी भी खतरा बन सकता है सुल्तान के लिए, मतलब शासक बादशाह, सुल्तान नहीं बादशाह। और असद खां को क्या कर दिया, इसका पिता जो था असद खां को कैद में डलवा दिया। और देखो शासन पर बादशाह जगह सैयद बंधुओं का नियंत्रण था। सैयद बंधु की चलती थी, मतलब कहने का मतलब कि ये इसका क्या था, कठपुतली थी फर्रुख शेर। और इसने क्या किया, जजिया कर बंद करवा दिया। अब आप कह रहे हो कि मैं, आप सोच रहे हो कि बार बार सर कह रहे हैं कि बार बार हर साल से जजिया कर बंद करा। मैंने कहा कि फरमान जारी किया गया लेकिन अब तक वो पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। इसने भी करवाया क्योंकि 6-9 महीने का शासन काल तो उसका, उसने कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इस टाइम पर, तो ये करवाएगा। और जहाज आशा के टाइम पर इसने वापस एक बंद करवा दिया, तीर्थ यात्रा कर बंद करवा दी गई। अभी तीर्थ यात्रा कर की वसूली बंद करवा दी, तीर्थ यात्रा करके वसूली बंद करवा दी थी। आपको याद होना चाहिए कि ये जजिया कर था जो सबसे पहले मुगल शासकों में अकबर ने बंद करवाया था 1664 में।
उससे पहले 1663 में तीर्थ यात्रा कर बंद करवाया था अकबर। अकबर एक धर्मसहिष्णु शासक था और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां काल में भी ये बंदी रहे दोनों का। जो औरंगजेब आया, औरंगजेब क्या था कि कट्टर सुन्नी शासक था, बादशाह था, उसने वो कर लागू किए जो इस्लाम में, इस्लाम के अकॉर्डिंग सही है और इस्लाम में जो वर्जित है उनको बंद करवा दिया। कहा जाता है कि उसने 70 कर बंद करवा दिए थे जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग सही नहीं थी औरंगजेब, और जजिया और ये तीर्थ यात्रा ने वापस से लागू कर दिया। अब उसके पीछे जो कारण थे वो मीडियल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उसने धर्मों के युद्ध की वजह से उसने जजिया का लागू किया था। उसके बाद से जजिया कर कंटिन्यू लिया जा रहा था, बाद में जाकर बहादुर शाह प्रथम द्वारा उसको बंद करवाने का आदेश दिए जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हो पाया। बाद में जहांदार शाह उसको लागू करेगा, बंद करने का आदेश देगा, पर उसका शासनकाल छोटा था इसलिए बाद में जब कौन आएगा फर्रुख शेर, ये इसको बंद करने के आदेश दे देगा। लेकिन अंतिम रूप से जो जाकर बंद होगा वो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे होगा, ठीक है। तो सर तीर्थ यात्रा कभी बंद करवा दिया किसने? फर्रुख शेर। और देखो इसने क्या किया था, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान के द्वारा बहुत सी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी चर्चा हमने आज शुरू के वीडियो थे उनमें कर ली है। इस सिस्टम ऑफ कंपनी के मैग्ना कार्टा को, इससे फरमान को, जिसे दस्तक इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना आपको, किसने जारी किया था? फर्रुख शेर काल में 1717 का, ठीक है। आगे देखो, इसने क्या किया था कि इसने जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं से छुटकारा पाने की कोशिश की। यानी सैयद बंधु की कठपुतली था और इसे इससे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए इसने क्या किया, एक व्यक्ति है मीर जुमला, क्या नाम है, मीर जुमला के प्रभाव में आकर एक षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र रचा, सैयद बंधुओं को मारने की प्लानिंग कर रहा था, सैयद बंधुओं को मारने की प्लानिंग कर रहा था, परंतु असफल रहा। षड्यंत्र का पता चल गया किसको? सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु बहुत ही चतुर और चालाक थे। उन्होंने क्या किया, सैयद बंधुओं ने जब उस षड्यंत्र का पता चला तो सैयद बंधुओं ने मराठा प्रमुख साहू के सहयोग से इसे मरवा दिया, इसे फर्रुख शेर को मरवा दिया, गला घोटकर उसकी हत्या करवा दी। किसके प्रमुख सहयोग से? साहू के सहयोग से। और इसके मरने के बाद एक नया शासक रफीउद्दरजात को नया बादशाह बना दिया, ठीक है। तो ये था कौन? बहादुर फर्रुख शेर, जिसे कि घृणित कायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृणित कायर, याद रखना इसे क्या कहा जाता है। मुगल वंश का
घृणित कायर शासक या मुगल वंश का घृणित कायर शासक कायर था ये कहने का। तो इसकी प्रमुख विशेषता थी याद रखना कि इसने सैयद बंधुओं की सहायता से क्या किया था, सत्ता प्राप्त की थी। इसके पिता का नाम अजीमुशान था, अजीमुशान था, क्या नाम था, अजीमुशान, ठीक है। और इसने जुल्फिकार खां को क्या किया था, जहर देकर मरवा दिया, असद खां को कैद में डलवा दिया और इन दोनों भाइयों को प्रमुख पद दिए और जजिया का बंद करवा दिया, तीर्थयात्रा का बंद करवा दिया और सबसे इम्पोर्टेंट 1717 में क्या दिया था, इसके लिए कंपनी को एक फरमान दिया था, दस्तक शाही फरमान, शाही आदेश, इसके जरिए काफ़ी सारी व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। और इसी के षड्यंत्र द्वारा इसने षड्यंत्र रचा, सैयद बंधु के जो जो सैयद बंधु की जो माला पहनने के लिए था उसके जो प्रभाव था इनके ऊपर, सैयद बंधु की कठपुतली था ये, उसके प्रभाव को उतार फेंकना चाहता, उसके चोले को उतार फेंकना चाहता था, इसके लिए उसे मरवाना चाहता था इसको सैयद बंधु को। लेकिन सैयद बंधु को इस षड्यंत्र का पता चल गया और सैयद बंधु ने साहू के सहयोग से इसी को मरवा दिया और एक नया शासक रफीउद्दरजा वो नया शासक उसे बना दिया जाए, ठीक है। तो ये आज तो हमने दो शासकों के बारे में पढ़ लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमें रफीउद्दरजात और रफीउद्दरजात और रफीउद्दरदौला दो छोटे छोटे शासक हैं। और आएगा मुहम्म और इसके बाद आएगा मोहम्मद शरंगीला रोशन अख्तर, जिसे रोशन अख्तर मूल नाम है उसका, जिसे मोहम्मद शरंगीला की पैदाइश की थी और उसके बारे में पढ़ेंगे उसमें, या अपन ये पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि साहू का आक्रमण रहेगा उसका जो मराठा पेशवा है बाजीराव का आक्रमण रहेगा और करनाल का युद्ध जिसमें नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मोहम्मद शरंगीला के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आपके कोई कमेंट वगैरह हो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते, ठीक है, धन्यवाद।